हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर टेन पॉइंट फोर्टीन सही लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस सही है? हमें कुछ रिएक्शंस दी गई है उसे हमें कम्प्लीट करना है और कम्पलीशन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ मेजर प्रोडक्ट जो फॉर्म होगी वही लिखनी है मतलब अगर कुछ ऐसे रिएक्शन भी दी गई होगी जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रही होगी और जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है उसमें से हमें सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही कंसिडर करनी है सही है अब हम बात करें पहली रिएक्शन की तो उसमें क्या दिया गया है CH3CH2CH2Cl थ्री टू सी एच टू सी एल मतलब कि ये हमारा क्या हो गया वन क्लोरो प्रोपेन उसकी हमें रिएक्शन करनी है एनएआई के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और उसे हमें हीट करना है तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें क्या है एक हेलोजन प्रेजेंट है और उसकी जब हम सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन क्या होगा ये हमारी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन और हेलोजन एक्सचेंज में भी ये कौन सी हो गई तो फिंकल स्टेन रिएक्शन हो जाएगी सही है और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है जो हैलोजन है वो एक्सचेंज होता हो जाता है अगर यहां पे क्लोरीन प्रोमीन हो तो उसकी जगह आ जाता है आयोडिन तो हमारी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी सीएच थ्री सी एच टू सी एच टू आई प्लस एन ए सीएल तो ये हो गया वन आयोडो प्रोपेन ओके अब बात करते हैं हम सेकेंड रिएक्शन की तो यहाँ पे हमें दिया गया है क्या दिया गया है ये नंबर वन हो गया है ये नंबर दो ये नंबर तीन तो हो जाएगा हमारा टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन सही है। उसकी हमें रिएक्शन करनी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनो अब हमेशा ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे अगर कोई अल्कोहल या साइनाइड ग्रुप दिया गया है और साथ में यहां पे लिखा हो कोई अल्कोहल या सिर्फ डायरेक्ट अल्कोहल दिया गया हो स्पेसिफिक या फिर अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम और, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसा लिखा गया हो तो भी हर बार जब भी यहां अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ के या एनएओएच होंगे तो हमारे रिएक्शन में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कैरिड आउट होगी सही है वो क्यों होगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ओके तो यहां पे क्या होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कैरिड आउट होगी और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है तो जिस कार्बन के साथ हमारा बी और कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है वो हो जाएगा अल्फा और उसका जो नेबरिंग होता है वो बीटा हो जाता है तो यहाँ पे तीन बीटा ग्रुप है अब आप देख सकते हो कि तीनों बीटा ग्रुप कौन से है सेम है आइडेंटिकल है मतलब एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगी अगर हम कहीं से भी उसे रिमूव करे हाइड्रोजन को तो क्या होगा सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगी यहाँ पे हम अगर यहां से बी आर को रिमूव करते हैं सॉरी हाइड्रोजन को और यहां से बी आर को तो हमारी प्रोडक्ट किस तरह से आ जाएगी ये हो गया सी एच थ्री ये हो गया कार्बन यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड सी एच टू और ये सब्सटीट्यूशन में जो CH3 थ्री था वो मतलब हमारी प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फॉर्म होगी यहां से बी आ जाएगा यहां से एक हाइड्रोजन तो मिल जाएगा CH2 टू डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री और सब्सटीट्यूशन में CH3, थ्री इसका नाम हो जाएगा वन टू थ्री तो हो जाएगा टू मिथाइल फिर क्या है वन टू थ्री मतलब प्रोप वन इन और प्रोपिन भी लिख सकते हो आप ओके और साथ में क्या मिलेगा तो हमें ये के और बी आर मतलब मिलेगा हमें यहाँ पे माइनस के बी आर लिख देते हैं और साथ में एओ एच और एक हाइड्रोजन तो हो जाएगा माइनस एच टू ओ इसे आप यहाँ पे प्लस करके भी लिख सकते हो प्लस के बी आर प्लस एच टू ओ सही अब बात करते हैं हम तीसरे रिएक्शन की यहाँ पे क्या दिया गया है CH3CHBrCH2CH2 थ्री सी एच सी एच टू सी एच टू मतलब ये हो जाएगा टू प्रोमो प्यूटेन सही है उसकी रिएक्शन हमें करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर अभी अभी मैंने आगे बात की अगर अल्कोहलिक सॉल्यूशन है तो हमें हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी बिट्टा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी सही है और अगर यहां पे वाटर है तो क्या होगा अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वियस सॉल्यूशन लिया गया है तो हर बार होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सही है मतलब अगर सोडियम पोटेशियम का ही सॉल्यूशन है सही है लेकिन साथ में अल्कोहलिक सॉल्यूशन है तो होगी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और अगर एक्वेस सॉल्यूशन दिया गया है तो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन वो किस वजह से ऐसा होता है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन होगी तो क्या होगा यहां से बी रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा ओ OH, सही है तो प्रोडक्ट फॉर्म होगी सी एच थ्री सी एच यहाँ पे बी आर की जगह आ जाएगा ओ एच सी एच टू सी एच थ्री प्लस एन ए बी आर सही है और ये क्या हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ कार्बन चार है तो ब्यूटेन टू ऑल सही है और टू ब्यूटेन ऑल भी आप उसे लिख सकते हो अब यहां पे देखे तो सीएच थ्री सीएच टू बीआर प्लस के सीएन एक्विय सोल्यूशन है इथेनॉल का मतलब कि यहां पे क्या हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगी सही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा यहां से बी आर रिमूव हो जाएगा और क्या आ जाएगा सीएन आ जाएगा तो प्रोडक्ट फॉर्म होगी सीएच थ्री सीएच टू सीएन प्लस आर सही है इसका नाम हो जाएगा साइनो इथेन और आप इसे लिख सकते हैं प्रोपेन नाइट्राइल सही है जब साइनो यूज करो तो इस कार्बन को नोमिन में कंसिडर नहीं करना है और अगर नाइट्राइल सफिक्स यूज करो तो ये तीनों कार्बन को हमें कंसिडर करना है सही है अब हम बात करते हैं फिफ्थ रिएक्शन की तो वो क्या है हमारी सी सिक्स एच फाइव ओ एन ए प्लस सी टू एच फाइव सी सही है तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी विलियमसन विलियमसन सिंथेसिस सिंथेस हो जाएगी उसमें क्या होगा तो इथर फॉर्म होता है तो हो जाएगी सी सिक्स एच फाइव ओ और यहां से एन ए और यहां से Cl हो जाएगा प्लस एन सी एल और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा सी टू एच फाइव यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के थ्रू अटैच है तो ये क्या हो जाएगा हमारा इथर दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो ये मिक्स इथर होगा और उसका नॉम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजिन सही है क्योंकि जब भी इथर का नॉम करो तो जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन कम है उसके साथ ऑक्सी जुड़ जाता है अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की तो ये क्या है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच हाँ इसका नाम लिखना रह गया है ये क्या हो गया हमारा सोडियम फिनोक्साइड और ये हो गया हमारा क्लोरो इथेन सही है। इसका नॉमिनक्लेजर क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल लिख लेते हैं प्रोपेनॉल वन प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं और जब उसकी थानाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा ये ओ एज ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये क्या है तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड आप लोगों ने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड में ये रिएक्शन सही है तो यहाँ पे ओ रिमूव हो जाएगा और क्या आ जाएगा सी एल प्लस होगा सीओ टू प्लस होगा एच सी एल तो ये हो गया हमारा वन क्लोरो प्रोपेन आई बात समझ में ये कौन सी हो गई प्रिपेरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइट की रिएक्शन दी गई है अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की वो क्या है सीएच थ्री सीएच टू सी एच डबल बॉन्ड सीएच टू मतलब ये क्या हो गया हमारा ब्यूट वनिंग अगर उसकी हम हाइड्रोजन हेलाइट के साथ रिएक्शन करें हाइड्रोजन हेलाइट के साथ तो क्या होगा एडिशन रिएक्शन होगी हम जानते हैं अगर हम फोरोक्साइड के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो वो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी तो एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होगी एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन हो जाएगी ये सही है तो क्या होगा एंटी मार्कोनिको में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पे ज्यादा होंगे वहां पे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमारा बी है वो कहाँ अटैच होगा तो हमें देखना है सिर्फ दो ही कार्बन जिसपे डबल बॉन्ड हो एक ये वाला और एक ये वाला तो ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे कौन सा है एक हाइड्रोजन तो हमारा बी आर है वो सेकेंड वाले पे फर्स्ट वाले पे अटैच होगा क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है ज्यादा है तो हमारी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी सीएच थ्री सी एच टू यहाँ पे अटैच होगा हाइड्रोजन और यहाँ पे हो जाएगा बी आर तो हमारी प्रोडक्ट हो जाएगी वन प्रोमो ब्यूटेन सही है अगर परऑक्साइड यूज किया गया है तो एंटी मार्कोनिको के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी हो, और एंटी मार्कोनिको के अकॉर्डिंग न्यूक्लियो हमेशा अटैच होता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो सही है अब बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की यहां पे सेम रिएक्शन है लेकिन विदाउट परोक्साइड है तो ये एक किसके अकॉर्डिंग होगी मार्कोनिको एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग होगी सही है और उसमें क्या होगा तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पे होगे वहां पे हमारा बी आर अटैच होगा यहाँ पे जहां पे दो डबल बॉन्ड है उसमें एक कार्बन पे वन हाइड्रोजन है यहाँ पे एक भी नहीं है तो लेस किया पे हुआ यहाँ पे हो जाएगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो हमारा बी आर यहाँ पे अटैच होगा तो हमारी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी सीएच थ्री यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन सी एच टू यहाँ पे C ऑलरेडी सी एच थ्री था और एक बी आर अटैच हो जाएगा और हो गया सी एच थ्री तो इसका नॉमन क्लेचर हो जाएगा टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन सही है आई बात समझ में मतलब जब भी हाइड्रोजन हेलाइट के साथ रिएक्शन हो तो हर वक्त ये रखना है जब परोक्साइड हो तो एंटी मार्कोनिकाओ के अकॉर्डिंग रिएक्शन कैरिड आउट होगी और जब भी कुछ ना दिया गया हो तो मार्कोनिको के अकॉर्डिंग हो गए एंटी मार्कोनिको में नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पे ज्यादा होता है वहां पे बी आर और सीएल अटैच होगा हमारा हेलोजन अटैच होगा कोई भी न्यूक्लियो अटैच होगा और जब ऐसा कुछ ना दिया गया हो तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पे लेस हो वहां पे हमारा न्यूक्लियो अटैच होगा सही है आई बात समझ में अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉमेंट के द्वारा पूछ सकते हो ओके